हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 15 प्लस स्कोर करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोज देखते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा गलत है। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तीन इसमें सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपको आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल जो है रहता है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, यह भी बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, 30 वर्ष यहाँ पे गलत है, 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, 35 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। एग्जाम बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है तो सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखें। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट डॉट की सलाह पर डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। रेल मंत्री को जो है किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। सभी लोग सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह होनी चाहिए एंड राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं भारत के केंद्रीय रेल मंत्री। ऑप्शन इसका आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी आपको बताना है कौन सी है। सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। क्या है? अम्मान। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ की मुद्रा क्या है? दीनार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा आपको बताना है। करेंसी एंड कैपिटल से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो सभी लोग जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तोग रोग। कौन सी है? तोग रोग। ऑप्शन इसका आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मंगोलिया की मुद्रा तोग रोग होगी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर। ओके, अगला प्रश्न, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे वन क्षेत्र है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सिक्स का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ब्राजील का जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन इसका जो आपका है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सातवां का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो है गोदावरी। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट देश से भी 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग मेरी इंपॉर्टेंट देश वाली क्लासेस को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं आप लोग प्ले लिस्ट में। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो ये है नीदरलैंड्स में, इसका मुख्यालय द हेग है। क्या है? द हेग। तो ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डॉट डॉट परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है अंडाशय, ये आपको बताना है।
तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो है अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, किसमें? फल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। तो वो पौधा है आपका ब्रेड मोल्ड। कौन सा है? ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर केवल हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉट डॉट ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने जो है प्रतिपादित किए थे अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नंदन नीलेकणी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये वाला। और कल मैं एक जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स किए हैं उनका राइट आंसर था बिल्कुल। तो ये जो है किसकी सिफारिश पर जो है की गई थी? विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था, कहाँ में स्थापित किया गया था भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन? तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बंगलुरु में स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? एटा में हुआ था। कहाँ पे? एटा में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो वो गायिका कौन है? गिरजा देवी को जो है अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किस जिले की सीमा जो है नेपाल देश के साथ लगती है? महाराजगंज। महाराजगंज जिले की सीमा जो है नेपाल देश के साथ लगती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ निष्ठावन समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह परिचित होते हैं, वो कौन सिख गुरु हैं? तो वो है श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो वो सिख गुरु कौन है? वो सिख गुरु हैं गुरु अमरदास, श्री गुरु अमरदास। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है आपको बताना है? यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं, कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है ये आपको बताना है।
अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 19A में दिया गया है ये अधिकार। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, कौन सा एक जो है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, तो क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग जो है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे जो है इसकी लिंक दे दिया हूँ इंस्टाग्राम आईडी की, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो और टेलीग्राम की भी वीडियो के नीचे लिंक दे दिया हूँ, जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू।